स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आपका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से कोई भी बिजनेसमैन या मार्केटर या डिजिटल मार्केटर कैसे गूगल और एसईओ के ऊपर अपनी पैनी नज़र रख सकता है, कैसे लेटेस्ट अपडेट्स उनको मिल सकते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों ये तीन चार मैंने आपको कुछ ऑप्शन बताए हैं इस वीडियो के अंदर, अगर आप उनको अप्लाई करो और उनको मोनिटर करो वो भी टाइम टू टाइम, तो वो आपको अपडेट्स देंगे, एसईओ के अपडेट्स देंगे, गूगल के अपडेट्स देंगे, गूगल के एल्गोरिथम्स के बारे में आपको बताएंगे, ताकि उस सब डाटा का इंफॉर्मेशन का आप यूज करके एक अच्छी मार्केटिंग, एक अच्छा एसईओ कर पाओ और अहेड रह पाओ अपने कॉम्पिटिटर से और अपने रिजल्ट्स को तेजी से बढ़ा पाओ, क्योंकि दोस्तों जो अपडेट रहता है वही आगे सक्सेसफुल बनता है। तो ये की है गूगल पे और एसईओ पे अगर आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है और हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से अहेड रहना है। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और जानते हैं किस तरीके से हम ये कर सकते हैं। दोस्तों एसईओ में और अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट रहना है, आपको चीज़ों का पता रहना चाहिए, अगर आपको प्रोग्रेस करना है, रैंकिंग लानी है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना है या मार्केट में अपने कॉम्पिटिटर से अहेड रहना है, तो मैं आपको एसईओ के लिए गूगल एल्गोरिथम्स के लिए चार बेस्ट वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ, ट्रस्टेबल वेबसाइट्स बताने जा रहा हूँ, जो हर एसईओ वाले को या जो अपनी वेबसाइट का प्रमोशन करते हैं या गूगल पे बहुत ज़्यादा वो एडवर्टीजमेंट करते हैं या उनके बिजनेस को उनको ऑनलाइन प्रमोट करना है, तो इन चार वेबसाइट्स को आपको रेगुलर अपने टच में रखना है, उस पर आपको अपडेट्स और एल्गोरिथम्स देखते रहने हैं। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको साइट बता रहा हूँ। पहला जो वेबसाइट है दोस्तों moz.com, moz.com पे आप गूगल के एल्गोरिथम्स सारे के सारे देख सकते हो, अपडेट्स देख सकते हो एल्गोरिथम्स के संग संग, और ईयर सेलेक्ट कर सकते हो किस ईयर में कौन सा आया था, उसके हिसाब से आप देख सकते हो। दोस्तों है क्या, अगर गूगल के या एसईओ से रिलेटेड आपको एल्गोरिथम्स पता हो तो आपको पता रहेगा कि गूगल अब कैसे वर्क कर रहा है, क्या चेंजेस लेकर आया है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट में और अपने ऑनलाइन काम करने के तरीके में चेंज कर सकते हो, जिससे कि गूगल को सबसे पहले वही चीज़ें साइट्स या चीज़ें पसंद आती हैं जिसमें गूगल के अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम्स के अकॉर्डिंगली या अपडेट्स के अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं और वो उसको फॉलो करती हैं। इससे रैंकिंग भी आती है, आपको प्रायोरिटी भी मिलती है, ट्रैफिक भी आता है। तो एक साइट है मोज, ठीक है दोस्तों। ये चार वेबसाइट्स पर आप बस नज़र बनाए रखोगे और जो अपडेट्स आएंगे उनको आप इम्प्लीमेंट करोगे, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलेंगे दोस्तों आपको। ये एक और साइट है दोस्तों सर्च इंजन लैंड, इसमें आप एसईओ से रिलेटेड अपडेट्स देख सकते हो, आप SEM सर्च इंजन मार्केटिंग से रिलेटेड देख सकते हो, मोबाइल गूगल से रिलेटेड देख सकते हो, बैंक से। तो ये वेबसाइट बहुत ही रिनाउंड और ट्रस्टेबल साइट है जिसमें आप लेटेस्ट छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा गूगल SEO SMO इन सब के अपडेट्स देख सकते हो, जानकारी पा सकते हो। दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग में बढ़ने की जो की है वो एक ही है, वो है अपडेट रहना, ठीक है। तो ये एक और वेबसाइट है। अब हम तीसरी वेबसाइट पे आते हैं दोस्तों, ये वेबसाइट है सर्च इंजन जनरल्स, इस पे आपको SEO PPC सोशल मीडिया और इनसे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल ब्लॉग्स मिलेंगे आपको, इस पे नए नए एल्गोरिथम्स, नए नए आपको इसके ऊपर जो अपडेट्स हैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, चीज़ें समझ में आएंगी और इससे आप बेनिफिट उठा पाओगे अपना। और दोस्तों विश्वास मानिए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और अपने आप को रोज़ अपडेट करें, पढ़ें, तो आप कभी पीछे रह ही नहीं सकते, आप हमेशा अहेड रहोगे अपने कॉम्पिटिटर से। और चीज़ों को इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, पढ़ना इम्पोर्टेंट है बट चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना भी तुरंत वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों जैसे यहाँ पर देखो एल्गोरिथम्स बताए हुए हैं, फ्रेड, हमिंगबर्ड, ये बहुत मतलब पांडा, ये जो एल्गोरिथम्स या अपडेट्स आए थे ये बहुत मेजर अपडेट्स थे, और इन सब के बारे में भी आप अलग से जानना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करिए। इस तरीके से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, जानकारी ले सकते हो, हमिंगबर्ड क्या था,
क्या इसके इफेक्ट थे, क्या इंपॉर्टेंस है इस अपडेट की। तो इस तरीके से दोस्तों आप बारीकी और डिटेल्स जान सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर कोई 25 अक्टूबर को अभी लास्ट अपडेट आया ब्रेंट अपडेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आया दोस्तों एसईओ के अंदर और गूगल के अंदर, तो इसको पढ़िए। और इसमें क्या है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अब फोकस कर रहा है गूगल, जिससे कि लोग एक जनरली क्या होता है, मैं समझाता हूँ शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल क्या होता है। मैंने डाला ट्रैवल एजेंट, इट इज़ अ शॉर्ट टेल कीवर्ड। मैंने डाला ट्रैवल एजेंट इन प्रीत विहार दिल्ली, इट इज़ अ लॉन्ग टेल कीवर्ड। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड पे फोकस ज़्यादा रहेगा, उससे लीड जनरेशन इंक्वायरी ज़्यादा आती हैं, ठीक है। तो ये अपडेट पढ़िए और इसके हिसाब से अपने एसईओ में आप चीज़ों को बदलाव कीजिए। और दोस्तों फोर्थ है सर्च मैट्रिक्स डॉट कॉम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी गूगल के अपडेट्स उन्हीं साइट्स की तरह आप देख पाओगे। और इन सारी जानकारियों को पूरा आपको देखना है तो यहाँ पर जैसे अपडेट आया इसकी पूरी डिटेल लेनी है, क्लिक कीजिए तो इसकी पूरी डिटेल जाके आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो डिटेल में, जिस भी आप एल्गोरिथम या अपडेट के बारे में जानना चाहते हो। दोस्तों ये हमने मतलब बीसीओ वेबसाइट्स हम लोग रेगुलर देखते हैं, समझते हैं, उसमें से मैंने बेस्ट मतलब चार बस आपको निकाल के दी हैं। आप इन पे आओ, इनको पढ़ो, देखो, और जो आपको ज़्यादा सही लगे, ज़्यादा आपको यूज़र फ्रेंडली लगे, आप उसको यूज़ करो। तो ये आदत बनाइए एसईओ में, और गूगल से अगर आप जुड़े हुए हो कि उसके अपडेट एल्गोरिथम्स को फटाफट फॉलो करो, फटाफट इम्प्लीमेंट करो और रिजल्ट देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आएंगे। इन सारी वेबसाइट्स के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो दोस्तों जाना कितने इजीली हम अपडेट रह सकते हैं, वो भी बिना कोई पैसा खर्च करे। इसी तरीके से हम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, टिप्स, ट्रिक्स और वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। लगातार वीडियोस बना रहे हैं ताकि हम आपको डिजिटली एम्पावर कर सके। दोस्तों बस चाहिए तो आपका सपोर्ट, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने बिजनेस को, जॉब को, करियर को एक नई दिशा राह दे पाए बिना पैसा खर्च करे। तो दोस्तों मिलके इंडिया को डिजिटली एम्पावर बनाते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।